गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपनी विषय सूची देखेंगे, अपना इंडेक्स देखेंगे। देखिए हमारे कितने चैप्टर हमने करा दिए हैं आपको। देखिए PA 1 में हमने आपको कराए थे 1 to 10 चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने 5-6 आपको कट करा दिए थे, ठीक। उसके बाद हमने आपको हाफ ईयरली हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने आपको कराए थे 11 to 20, ठीक है। इसमें भी हमने आपको 2 चैप्टर कट कराए थे। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है PA 2 सिलेबस। PA 2 में देखिए हम आपको कराएंगे 21 to 25 और नीचे से 2 चैप्टर लेंगे 32 और 33। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, टिक करिएगा सभी बच्चे, 21 to 25 PA 2 और नीचे 32 और 33 कराएंगे PA 2 में, ठीक है। तो PA 2 का आपका फर्स्ट चैप्टर है वचन, ठीक है। 21 चैप्टर है आपका वचन, PA 2 का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट है आपका 16। पार्ट 15 तक हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ था, तो पार्ट 16 से हम स्टार्ट करेंगे अपना PA 2, ठीक है। तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। ये हमारा 21 चैप्टर वचन, ये PA 2 स्टार्ट लिख देते हैं, यहाँ से हमारा हुआ है PA 2 स्टार्ट। पार्ट है हमारा 16 और चैप्टर का नाम है वचन। वचन बोलते हैं नंबर को, ठीक है। चैप्टर है आपका 21। नीचे दिए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। जो चित्र दिए हुए हैं पिक्चर्स, उनको आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, सॉरी, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स है हमारा लड़का लड़के। तो लड़का, एक लड़के के बारे में बात हो रही, लड़के नंबर देखिए इसमें चेंज हुआ हमारा वचन, यानी वचन चेंज हुआ, लड़के हो गया। तो उपयोग वाक्यों में लड़का शब्द से एक लड़के शब्द से बहुत से लड़कों का बोध हो रहा है, एक लड़के से बहुत से लड़कों का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है वचन कहलाता है। वस्तु के जिस रूप से वस्तु के बोल रहे शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अधिक एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अथवा अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, ठीक, और उर्दू में वाहिद जमा पढ़े होंगे आपने, यही आपके हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक के बारे में बात करेंगे, बहुवचन में एक से अधिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, एक का बोध कराते हैं जिसमें, ठीक है, हमें पता चले, जैसे नदी है, गधा है, रात्रि है, मुनि है, बहिन है, कुत्ता है, ताला है, कपड़ा है और माला है और आदि। बहुवचन देखिए, प्लूरल नंबर्स एक से अधिक का बोध कराने वाले बहुवचन शब्द बहुवचन नंबर या बहुवचन प्लूरल नंबर कहलाते हैं। जैसे नदी का हो जाएगा नदिया, गधा का हो जाएगा गधे, कुत्ते का हो जाएगा कुत्ते, कपड़ा का हो जाएगा कपड़े, बहन का हो जाएगा बहने और महिला का हो जाएगा माला का हो जाएगा मालाएँ, ठीक। वचन परिवर्तन के नियम देखिए, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ और बड़ा ए। करने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सास सासें, बात बातें, बच्चा बच्चे, रात रातें, याद यादें, पन्ना पन्ने। नियम 2 देखिए, बड़ा का आए जो बड़ा और करने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे माता का माताएं, धर्मशाला का धर्मशालाएं, माला का मालाएं, जिसमें बड़ा का क्या कर देते हैं हम लास्ट में जब आता है तो
आई कर देते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में होता है वाई को हटा देते हैं, फ्लाई में आई एस जोड़ देते हैं, इस तरीके से इसमें हटा हटा कर हम कुछ कर देते हैं। देखिए बड़ा जिसके लास्ट में आता है, जैसे बड़ा का है तो इसमें क्या करेंगे, आई कर देंगे, धर्मशाला है तो सास का सास से हो जाएगा। तो इधर इसका नियम में देखेंगे आप, बड़ा को हटाएंगे तो ये कर देंगे, तो हम क्या करें, माताएँ दिशाएँ धर्मशालाएँ। ठीक, नियम नंबर थ्री देखेंगे, या मतलब या बड़ा का या करने से एक वचन शब्द से बहुवचन हो जाता है, जैसे या का बड़ा या कर देते हैं, जैसे गुड़िया का गुड़िया, लुटिया का लुटिया, बच्चिया का बच्चिया, बड़ी का या कर देते हैं, जैसे गली गाली का गालियाँ, सखियाँ लड़कियाँ, बड़ा ऊ का ऊ कर देते हैं यानी वधुएँ बहुएँ, छोटी का या कर देते हैं नीतियाँ मणियाँ, और छोटा ऊ को बड़ा ही करते हैं श्रतुएँ वस्तुएँ धेनुएँ। और शब्द गढ़ में जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है शब्द में, जैसे आचार्यगढ़ नेतागढ़ विद्यार्थीगढ़। ऐसे नियम नंबर नाइन, शब्द में व्रण जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे साधु का साधु वृंद, मनु वृंद, मुनि वृंद, ठीक, पाठक वृंद, इस तरीके से। अब आगे देखिए नियम नंबर टेन में, शब्द में समुदाय जोड़ने से एक वचन शब्द से बहुवचन में बदला जाता है, जैसे मानव का मानव समुदाय, पशु समुदाय, पक्षी समुदाय, छोटा आ का छोटा ए करने से एक वचन से बहुवचन, कंका का कंघे, कुत्ता का कुत्ते, घोड़ा का घोड़े, नाला का नाले, इस तरीके से। प्रतिष्ठा प्रकट करने वाले तथा कुछ अन्य शब्दों को बहुवचन शब्द में भी नहीं बनता, जैसे चाचा का चाचा ही रहता है, चाचाए तो नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रतिष्ठा शब्द ऐसे होते हैं जिसका वचन हम नहीं बदलते हैं, मामा का मामा, शेर का शेर, वीर का वीर, सम्राट आलू। शब्द में लोग जोड़ने से एक वचन से बहुवचन हो जाता है, चीनी लोग, आर्य लोग, रूसी लोग। शब्द में जन जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है, जैसे भक्त जन, कवि जन, प्रजा जन। शब्द में वर्ग जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होता है, जैसे पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, युवा वर्ग। ठीक है, सारे नियम हैं, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से रीड करने हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा क्या चीज़ किसी को हटाने से या फिर किसी का ऐड करने से क्या चीज़ बन जाता है। ठीक, अब क्या सीखा हमने, एक या अधिक से एक या एक से अधिक का बोध कराने वाले संज्ञा वचन कहलाते हैं, एक या एक से अधिक का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, वचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आओ अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज, अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पार्ट हमारा चल रहा है अभी 16। देखिए मौखिक प्रश्न है, अब लिखने की बारी पर देखते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है हमें, जो सही होगा उसके सामने हम राइट का निशान लगा देंगे। देखिए शब्द का एक या एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाला लक्षण कहलाता है कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम। तो हमारा वचन कहलाता है, तो वचन पे हम राइट कर देंगे। आर्य लोक शब्द है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई नहीं, ये है हमारा बहुवचन, थर्ड ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। अब हमारा है निम्नलिखित वाक्य किन वचनों के हैं, रिक्त स्थानों में उनके सामने का वचन लिखिए। प्रातःकाल का समय था, यह हमारा है एक वचन। आप महान्य हैं, तो ये बहुवचन है। दीपक जल गया, एक वचन है। पंखे बंद कर दिए, ये बहुवचन है। चार आदमी रो रहे हैं, बहुवचन है। वे मेरे पिता हैं, बहुवचन है। वे मेरे पिता हैं, तो ये हमारा क्या है, एक वचन है। मेरे माता धर्मनिष्ठ हैं, बहुवचन है। बहनें हंस रही हैं, बहुवचन है। ठीक है, अब बहनें हंस रही हैं, ये हो गया हमारा बहुवचन। हमने देखिए वह मेरे पिता है, इसमें हमने एक वचन लिखवाया है, मेरी माता धर्मनिष्ठ है, यहाँ बहुवचन। तो मेरे पिता है इसमें तो पता चलता नहीं है, बहुवचन में भी इस तरीके से लिखते तो हम इसे बहुवचन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। वे मेरे पिता हैं, बहुवचन। मेरी माता धर्मनिष्ठ है, बहुवचन। क्योंकि माता पिता बहुवचन में चेंज नहीं होते, तो बहनें हंस रही हैं, बहुवचन। अब हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो ये हमें कॉपी पर करने हैं। ठीक है, तो अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे। ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए पार्ट नंबर 16, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। चैप्टर है हमारा 21 वचन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या आप अपने चैप्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। पी ए टू स्टार्ट सभी बच्चे लिखेंगे अपने, जहाँ से आपका लिखना स्टार्ट करेंगे। आपका हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ है एक जगह पर, ठीक है, यहाँ पर हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हुआ है पार्ट 15 के साथ आपका। तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज से पी ए टू स्टार्ट लिखना है अपना, और अपना क्या करना है, पार्ट 16 के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। तो चैप्टर अपना 21, चैप्टर का नाम है वचन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें देखिए वचन की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आपको क्या करना है, वचन की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन अपना बुक से लिखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वचन कहलाता है। यहाँ से यहाँ लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शब्द के जिस रूप से, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, देखिए जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पी टू स्टार्ट हुआ है, आपको वहाँ से लिखना है, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वचन कहलाता है। ठीक है, पेज नंबर रहेगा आपका 74, पेज नंबर 74 से आपको ये आंसर लिखना है। और आपको क्या करना है, उनके उदाहरण भी देने हैं, एग्जाम्पल भी देने हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपको यही देना है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप, ठीक, उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल देंगे, यहाँ दोनों, ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे इसके। पेज नंबर रहेगा आपका 74, तो पेज नंबर 74 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, पेज नंबर 74। अब आपका दूसरा सवाल है, वचन के कितने भेद होते हैं, भेद हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो हैं वचन के दो भेद होते हैं, ठीक, वचन के दो भेद होते हैं, यह आपका दूसरा आंसर है। एक वचन, एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे नदी, गधा, रात्रि। और फिर सेकंड लिखेंगे, बहुवचन एक से अधिक होने बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं, जैसे नदियाँ, कुत्ते, कपड़े। ठीक है, सभी बच्चे आदि लिखेंगे दोनों के आगे। स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना। सबसे पहले अपना प्रश्न लिखेंगे, वचन के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आपको वचन के दो भेद होते हैं, एक प्रश्न में आपको दो सवाल पूछे गए हैं, वचन के दो भेद होते हैं, उसके बाद पूछे गए इनकी परिभाषा भी आपको उदाहरण से ही समझानी है। तो एक वचन, बहुवचन, इसकी परिभाषा देखिए ये दे रखी है। तो एक वचन के बारे में लिखेंगे, एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे नदी, गधा, रात्रि। ठीक, अब आपका बहुवचन, बहुवचन लिखेंगे, एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं, जैसे नदियाँ, कुत्ते, कपड़े। ठीक है, आपका ये दूसरा आंसर है। यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर रहेगा आपका सेम 74। तो मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर लिखकर आप खुद करेंगे बुक से। ठीक, अब आपका है, वचन परिवर्तन के कितने नियम हैं, किन्हीं दो को उदाहरण सहित लिखिए। वचन परिवर्तन करने के लिए कितने नियम दिए हुए हैं, 15 नियम दिए हुए हैं। तो उसको आपको दो को बताने हैं उदाहरण सहित। देखिए नियम वन लिखेंगे, यहाँ से नियम वन, छोटा आ बड़ा ए करने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये दोनों उसके उदाहरण में दे देंगे। ठीक, अब आपका नियम टू है, बड़ा आ का आए करने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे माता का माता, दिशा का दिशा है। ठीक, इस तरीके से आपको ये दोनों, ये नियम वन का लिखकर ये दोनों नियम बताने हैं, और नियम टू लिखकर पूरा यहाँ तक, यहाँ से ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, ये आपका है 3 आंसर।
तो 74 पेज नंबर रहेगा हमारा इसका भी, पेज नंबर 74 से ही आपको ये आंसर लिखना है, पेज नंबर 74 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, आपको तीन ही प्रश्न पूछे गए हैं आपकी बुक में। देखिए वचन परिवर्तन के कितने नियम हैं, किन्हीं दो को उदाहरण सहित समझाइए। वचन परिवर्तन के कितने नियम बताएं, 15 बताए हैं। वचन परिवर्तन के कितने के लिख देंगे हम, दो 15 नियम हैं, 15 नियम हैं, किन्हीं दो को उदाहरण से ही समझाना है। सबसे पहले ये लिखेंगे वचन परिवर्तन के, ये लिखा हुआ है वचन परिवर्तन के लिए, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको ये लिख दिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसे कट कर दिएगा, इसे नहीं लिखना है। यहाँ से निम्नलिखित हो जाते हैं, उसमें कितने आ जाते हैं, काफ़ी आ जाते हैं। तो आपको क्या स्टार्टिंग लिखनी है पहले अपने थर्ड आंसर की, वचन परिवर्तन के नियम एक से बहुवचन में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नियम वन छोटा, आपको दो ही देने हैं, तो वन और टू के नियम देकर उसके एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, थ्री आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आंसर टू अपना करेंगे। आंसर टू हमारा यहाँ तक है बहुवचन का पूरा, तो यहाँ से वचन परिवर्तन के नियम से आपका थ्री आंसर शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, सबसे स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक, फिर नियम वन करके यहाँ से यहाँ तक, इसके दोनों लिखने हैं, फिर नियम टू करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों। ठीक, आपका वन टू थ्री आंसर आपको पेज नंबर 74 से ही लिखना है। वचन की उदाहरण से परिभाषा पेज नंबर 74, वचन के कितने भेद होते हैं ये भी आंसर पेज नंबर 74, वचन परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, किन्हीं को दो को उदाहरण सहित लिखने हैं, तो ये भी आंसर आपको पेज नंबर 74 से ही लिखना है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 16 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है, समझना है। यहाँ से आपका पी ए टू स्टार्ट हुआ है, सभी बच्चे पी ए टू स्टार्ट लिखेंगे। चैप्टर है आपका 21, पार्ट नंबर 16। वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना एक्सरसाइज को बुक पर रखेंगे और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी पर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो देखकर काम करना है अपना। थैंक यू।